एक अहम खबर आपको देंगे लाहौर से। एहतसाब अदालत में अलीम खान के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। इसी पर बात करेंगे, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, लाहौर के एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन बुखारी ने पीटीआई के रहनुमा अलीम खान के जुडिशल रिमांड में जो है वो 14 रोज की तौसी कर दी और ये हुक्म दिया कि 2 अप्रैल को अलीम खान को दोबारा जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया जाए। आज जो है नैब ने जो है वो कड़ी सिक्योरिटी में अलीम खान को अदालत में पेश किया और ये मौका इख्तियार किया कि वो जल्द जो है उस केस के मुतलिक जो हतमी रिपोर्ट है वो अदालत वो जो है पेश कर देंगे। तब जो वकील हैं उनके अलीम खान के अदनान शुजा भट्ट, उनका ये कहना था कि हतमी रिपोर्ट उन्होंने केस में नैब को भिजवानी है, इनको अदालत नैब को हुक्म दे कि रेफरेंस जो है वो जल्द अज जल्द फायर किया जाए। जिस पर अदालत ने जो है उनके जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी कर दी है, जिसके बाद अब नैब जो है वो अलीम खान को लेकर जो है वापस जेल की तरफ रवाना हो गई है। जी आबिद, बहुत शुक्रिया आपका।